कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद राहुल गांधी के निशाने पर हमेशा से संघ रहा है। सांसद के तौर पर अयोग्य करार दिए जाने के बाद भी राहुल गांधी की सावरकर पर सोच नहीं बदली है। राहुल बनाम संघ पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वयंसेवकों का संगठन जो देश में कहीं भी कोई विपत्ति आने पर बिना कहे मदद के लिए पहुंच जाता है। गुजरात का भूकंप हो, उत्तराखंड में सैलाब से आई तबाही हो, या फिर देश पर हुए विदेशी आक्रमण, संघ के स्वयंसेवक देशवासियों की मदद से पीछे नहीं हटे। ये आम लोगों के बीच आरएसएस के अच्छे कामों से कमाई गई दौलत ही है कि आजादी के करीब 70 साल बाद आरएसएस से जुड़ी पार्टी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता के शिखर तक पहुंची। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। जब जनसंघ शब्द सुनकर के लोगों को समझ नहीं आता ये लोग कौन है, कोई धार्मिक संगठन है कि राजनीतिक संगठन, ये भी पता नहीं था। उस जमाने से दीवारों पर दिया जलाते जलाते खपे हुए अनेक परिवार हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बीजेपी के इस उत्थान में आरएसएस की भूमिका नकारी नहीं जा सकती। आरएसएस ने अपने सांस्कृतिक सामाजिक कामों से बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने वाली सीढ़ी की बुनियाद तैयार की। आरएसएस को भी इसका फायदा मिला। एक वक्त लगता था कि युवा वर्ग आरएसएस से दूर जा रहा है, अब हालात बदल गए हैं। युवा वर्ग ही नहीं बल्कि उससे दूर रहने वाले अल्पसंख्यक तबके के लोग भी उससे जुड़ रहे हैं। इसके बावजूद सत्ता पर लंबे वक्त तक प्रभाव रखने वाला एक वर्ग आरएसएस पर हमलावर रहता है। फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस वर्ग के अगुआ दिखने लगे हैं। वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द आरएसएस फंडामेंटलिस्ट फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। जो आरएसएस की विचारधारा है और जो कोई भी देश को बांटने की विचारधारा है, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, उससे मेरी लड़ाई है। देश पर करीब 54 साल तक राज करने वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के बाद आरएसएस पर ज्यादा हमलावर हो गई। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो मानते हैं कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की असली जमीन आरएसएस ने ही तैयार की। राहुल गांधी ने अपनी हालिया ब्रिटेन यात्रा के दौरान कुछ ऐसी ही सोच सामने रखी। वन ऑर्गेनाइजेशन called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is a, you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood.
and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड तक से कर डाली। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1928 में मिस्र में हुई। इसका मकसद शरिया के मुताबिक सत्ता चलाना है। वो हिंसा को भी इस मकसद का अहम औजार मानता है। लिहाजा मिस्र, सऊदी अरब, रूस और सीरिया जैसे कई देश उसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। आरएसएस की ऐसे संगठन से तुलना पर तीखी प्रतिक्रिया आई। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते ही शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबली एंड सी द रियलिटी। लेकिन आरएसएस, जिसे राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव मान रहा है, उसके साथ उनकी पार्टी कांग्रेस भी खड़ी है। हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम से लंबी पदयात्रा की। इस दौरान कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से आरएसएस की हाफ पैंट वाली वर्दी की एक जलती हुई तस्वीर शेयर की और लिखा, भारत जोड़ो यात्रा देश को नफरत से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी ने देश का जो नुकसान किया उसकी भरपाई करने के लिए है। ये आग सिर्फ एक तस्वीर की आग नहीं थी, ये नफरत की आग है। कांग्रेस का आरोप है कि इसे आरएसएस ने लगाया। आरएसएस की दलील है कि नफरत की आग राहुल गांधी के परिवार में आजादी के बाद से ही सुलग रही है। हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लाए गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। तो सवाल ये है कि नफरत किसकी सोच में है? क्या आरएसएस की दलील सही है कि अतीत में राहुल गांधी के पुरखों ने संघ को बेवजह परेशान करने की कोशिश की? भारत की आजादी के करीब 76 साल हो चुके हैं। इसमें करीब 54 साल तक देश पर कांग्रेस का शासन रहा। इस दौरान नेहरू गांधी परिवार से 3 प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जिनका कुल शासनकाल करीब 38 साल रहा। इनमें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा दोनों के ही शासन में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध आजादी के कुछ ही महीने बाद लगाया गया। ये प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा। आरएसएस के जो संस्थापक थे एडगावर साहब, वो खुद एक कांग्रेसी थे। वो कांग्रेस से क्षुब्ध होकर, कांग्रेस से नाराज होकर के वो आए, कांग्रेस छोड़ी और फिर 1925 में जो था वो आरएसएस का गठन हुआ। तो पृष्ठभूमि कांग्रेस की ही थी, तो कांग्रेस में हर तरह की विचारधाराएं रही। उसके बाद जब गांधी जी की हत्या हुई, उसमें समय में बहुत सारी बातें कही गई, कुछ अधूरी, कुछ पक्की, कुछ का जिसे हम कहते हैं ना लैक ऑफ एविडेंस, तमाम चीज़ें हुई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे नाम के एक सिरफिरे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में साजिश का शक आरएसएस पर भी गया, लिहाजा गांधी जी की हत्या के 5 ही दिन बाद यानी 4 फरवरी 1948 को नेहरू सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। आरएसएस के तत्कालीन सर संघचालक एमएस गोलवलकर समेत कई आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में
बाला साहब देवरस भी थे। हालांकि उन्होंने गांधी जी की हत्या की कड़ी निंदा भी की थी, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लंबे वक्त तक जेल में रखा गया। इन सब पार्टियों की सूबों में और इसके देश के अंदर वर्षानुवर्ष सत्ता रही है, आज तक भी यह एक भी प्रमाण सिद्ध नहीं कर सके, फिर भी ये कहते रहेंगे गांधी जी को मारा है, फिर भी ये कहते रहेंगे दंगों में संघ का हाथ है। तो मुझे लगता है असंवैधानिक बोलना, हेट और होट स्पीच करना, इसका मुकदमा इन पर चलना चाहिए। आरएसएस ने गांधी जी की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। अब सब कुछ पुलिस जांच पर आकर टिक गया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस जांच पर करीबी नजर रख रहे थे। उन्होंने 27 फरवरी 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, गांधी की हत्या में आरएसएस शामिल नहीं था, ये काम हिंदू महासभा के एक कट्टर धड़े का था जो सीधे सावरकर के नेतृत्व में काम कर रहा था, उसी ने ये साजिश रची। मगर गांधी की हत्या का स्वागत किया संघ और महासभा ने। ये लोग गांधी की विचारधारा, उनकी सोच के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी की हत्या में हाथ होने के आरोप से आरएसएस भी इनकार करता रहा। संघ के बड़े नेता बाला साहेब देवरस ने सरदार पटेल से कहा भी कि यदि आप बैन नहीं हटाएंगे तो हम लोग अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेंगे। इस बीच पुलिस जांच की रिपोर्ट भी आ गई, जिससे साफ हो गया कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ नहीं था। आखिरकार 11 जुलाई 1949 को सरकार ने कुछ शर्तों के साथ संघ से प्रतिबंध हटा लिया। आरएसएस पे पहली बार जो प्रतिबंध लगा फरवरी 48 में वो जो था वो सरदार पटेल जब देश के गृह मंत्री थे तब हुआ, और फिर उन्होंने उठाया भी, मतलब वो जो जो प्रतिबंध लगाया और फिर प्रतिबंध को लिफ्ट भी किया गया, दोनों बातें भी उन्होंने आरएसएस की नियत और नीति पे कई बार सरदार पटेल के लेख्स में है कि उन्होंने उसके ऊपर उंगली उठाई। और जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा भाजपा आरएसएस को जो है बांटने वाली ताकत की तरह का परिभाषित किया। बड़ी बात यह है कि गांधी जी की हत्या के मामले में हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर पर भी आरोप लगे, लेकिन अदालत में उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके, लिहाजा आरएसएस की तरह सावरकर भी गांधी जी की हत्या के मामले से बरी कर दिए गए। लेकिन कांग्रेस ने दोनों का विरोध जारी रखा। सावरकर कभी भी आरएसएस में नहीं रहे, लेकिन कुछ मतभेदों के साथ दोनों की विचारधारा एक जैसी रही। कांग्रेस खुद को इसी विचारधारा का विरोधी बताती है, लेकिन इस बहाने आरएसएस और सावरकर को एक ही तराजू पर तौलने से भी नहीं चूकती। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। सवाल यह है कि कांग्रेस आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा के जनक सावरकर को एक ही चश्मे से क्यों देखती है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश आरएसएस को एक उग्र हिंदू संगठन साबित करने की रही, जो भारत में हिंदुओं का शासन स्थापित करना चाहती है। वहीं संघ समर्थकों का आरोप है कि कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा करती है, ताकि वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सके। आरोप है कि कांग्रेस इसीलिए आरएसएस और सावरकर को एक बताने की कोशिश करती है। आरएसएस का एक बड़े मोटे मोटे तौर पे ये है कि जो हिंदू धर्म है या उससे जुड़े हुए जो आस्था के लोग हैं उसको भारतीय समाज में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मतलब इट शुड बी फर्स्ट अमंग इक्वल्स। कांग्रेस की धारणा ये है कि तमाम धर्मों के और उसके अनुयायियों का बराबर का हिस्सा है और बराबर का उनको हक मिलना चाहिए। तो एक मूलतः एक नाक पकड़ने वाली बात आप कह सकते हैं कि ऐसे पकड़ें वैसे पकड़ें, लेकिन दोनों अपने जो उनकी जो स्टैंड है उससे टिके हुए हैं और एक राजनीतिक खाई है। अंग्रेजों से सावरकर के माफी मांगने की घटना के बहाने
गांधी जी की हत्या में उन पर लगे आरोप के बहाने, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा के बहाने कांग्रेस ने लंबे वक्त तक मुख्य धारा की राजनीति में आरएसएस से जुड़े जनसंघ और उसके बाद बीजेपी को अस्पृश्य बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि उसकी यह कोशिश 1975 में नाकाम हो गई, जब इंदिरा सरकार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में जनसंघ और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर हिस्सा लिया। 26 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। तमाम विपक्षी नेताओं के साथ संघ के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिए गए। आरएसएस के सर संघ चालक बाला साहब देवरस भी गिरफ्तार कर लिए गए। चार जुलाई 1975 को आरएसएस पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रतिबंध के पीछे संघ को लेकर इंदिरा का निजी विरोध भी था। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्काइव जारी हुए। एक आर्काइव के मुताबिक अमेरिका के एक डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक ने इंदिरा को लोकतंत्र बहाल करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इस पर इंदिरा ने उन्हें जवाब दिया, जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस का साथ लिया है। महात्मा गांधी की हत्या इसी संगठन के उकसावे पर हुई थी और ये लोग कट्टरपंथी हिंदू हैं। इंदिरा गांधी ने ऐसा तब लिखा जबकि वो जानती थीं कि महात्मा गांधी की हत्या के केस में आरएसएस जांच के स्तर पर ही क्लीन चिट मिल गई थी। कुछ लेखकों के मुताबिक वो अपने करीबी लोगों से कहती भी थीं कि मुझे और मेरी पार्टी को सोशलिस्टों से खतरा नहीं है, असली खतरा इन आरएसएस वालों से है क्योंकि इनका संगठन और आधार मजबूत है। बाद में इमरजेंसी हटने पर चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी की हार हो गई। विपक्षी एकता के नाम पर बनी जनता पार्टी सत्ता में आ गई जिसने आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया। जब आपातकाल लगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपातकाल लगने से पूर्व जयप्रकाश आंदोलन में और आपातकाल लगने के बाद भूमिगत आंदोलन में जोर शोर से काम किया। संभवतः जेल में जितने लोग बंद थे उसमें 70-75% लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे और आपातकाल के बाद जनता पार्टी को सत्ता में लाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बढ़ चढ़ कर काम किया। आरएसएस पर तीसरा प्रतिबंध नेहरू गांधी परिवार के किसी नेता ने नहीं लगाया बल्कि यह प्रतिबंध नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लगा। छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार्य सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान को लेकर चिंता सताने लगी। इस घटना में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आरएसएस के शामिल होने की बात कही जाने लगी। लिहाजा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने यूपी समेत 4 राज्यों की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। विध्वंस की घटना के 4 दिन बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस मामले की पुलिस जांच में सीधे तौर पर आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं मिला और 4 जून 1993 को सरकार ने आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया। हालांकि इसके बाद देश की राजनीति में बदलाव आने लगा। वक्त ने ऐसी करवट ली कि आरएसएस से जुड़ी पार्टी बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। अब राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से आरएसएस देश की तमाम संस्थाओं पर कब्जा करता जा रहा है, लेकिन आरएसएस समर्थकों का आरोप है कि अपने शासन काल में ये काम कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया। एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है। वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लगातार इंदिरा गांधी होते हुए राजीव गांधी शासन में, उसके बाद मनमोहन सिंह के शासन में, कांग्रेस
पार्टी ने और वामपंथियों ने मिलकर सभी संस्थाओं को सर्वसमावेशी होने से रोका। वे उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित करते रहे, संस्थाओं में लाते रहे, संस्थाओं की चाबी उनके हाथों में देते रहे जो उनकी विचारधारा के अनुकूल थी। जाहिर है अपनी अपनी विचारधारा की वजह से संघ और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को विरोधी की तरह देखते हैं और अपनी सोच को सही मानते हैं। हालांकि बदले हुए राजनीतिक माहौल में दोनों ही पक्षों ने लचीलापन दिखाया है। राहुल गांधी और गांधी परिवार के तमाम सदस्य अब खुद को खुलकर हिंदू और हिंदू समर्थक साबित करने की कोशिश करने लगे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस ने भी मुस्लिम विरोधी छवि को नरम किया है। आरएसएस अल्पसंख्यकों के लिए बने अपने संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की सक्रियता बढ़ा रहा है। हालांकि दोनों ही पक्षों का ये लचीलापन दूसरे के इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश ज्यादा नजर आता है। यह अल्पसंख्यक विरोधी है, ऐसी यह धारणा पूरी तरह से गलत है। संघ मानता है कि जो भी संप्रदाय और पूजा पद्धतियां भारत में हैं, वो भारत की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिए। जो धर्म संप्रदाय या दर्शन प्रश्न पूछने और प्रतिकार करने के अधिकार को छीनता है, उसे संघ भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय चेतना, भारत के मूल पिंड के प्रतिकूल मानता है। इसे संघ की कोशिश होती है कि संवाद के द्वारा, तर्क के द्वारा ऐसे ताकतों और तत्वों को भी भारतीय सभ्यता संस्कृति की प्रकृति के अनुकूल बनाया जाए। हालांकि एक दो ऐसे मौके जरूर आए हैं जब कांग्रेस और आरएसएस ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू आरएसएस के बड़े विरोधी थे, लेकिन दो मौकों पर उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की। पहला मौका तब आया जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर आम लोगों की मदद की। दूसरा मौका 1962 में चीनी हमले के वक्त आया। उस वक्त नेहरू ने आरएसएस के सेवा भाव की तारीफ की और 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल होने का न्योता भी दिया। अपनी जानी पहचानी वर्दी के साथ आरएसएस के एक दल ने इस परेड में हिस्सा भी लिया। दोनों का जो है कई बार अघोषित रूप से एक तरीके का तालमेल भी हुआ। जैसे ऐसा कहा जाता है कि जब चीन का इसके साथ युद्ध हुआ और उस समय उसकी भी दो धारणाएं, आरएसएस कहती है कि उसको नेहरू ने 1964 में जो 63 में जब वो 26 जनवरी की जो परेड निकलती गणतंत्र दिवस में प्रतिनिधित्व दिया गया। इंदिरा गांधी ने भी कभी कई बार आरएसएस के प्रति लचीलापन अपनाया और जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ तो उस समय आरएसएस ने खुल के ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी को कांग्रेस को समर्थन किया। 7 जून 2018 की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ये तस्वीर ऐतिहासिक है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस में एक विचारक जैसी हैसियत रखते थे। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर देश के 13वें राष्ट्रपति भी बने, इसीलिए उनका संघ के कार्यक्रम में जाना बड़ी घटना थी, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की सोच को अपनाने पर बल दिया। A dialogue is necessary, not only to balance the competing interests, but also to reconcile them. Divergent strands in public discourse have to be recognized. We may argue, we may agree, we may not agree, but we cannot deny the essential prevalence of multiplicity. Of opinion. Only through a dialogue can we develop the understanding to solve the complex problems without an unhealthy strife within our polity. इन बदलावों के बावजूद कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने अपने संघ विरोध को और तीखा किया है। एक वक्त वो संघ का नाम लेकर उसे निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन 2014 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से वो बार बार संघ का नाम लेते हैं। सवाल ये है कि क्या वो ऐसा सियासी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं? सियासत की इस चाल में वो कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा,
लेकिन इसने गांधी परिवार के प्रति आरएसएस के रुख को और सख्त कर दिया है। संघ का रुख इतना सख्त हो चुका है कि बात अब राहुल गांधी के पुरखों तक पहुंच गई है, जिसका संघ विरोध का लंबा चौड़ा इतिहास है। बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार ने जब जब संघ विरोध में कोई कदम उठाया, जनता की अदालत और अदालत दोनों ही जगह उसे मुंह की खानी पड़ी।